इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो ने यूट्यूब से ब्रेक क्यों ली? इस खबर की तफसील में जाने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल AJK टाइम सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इरफान जुनेजो जो कि पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ यूट्यूबर हैं, उनके विलागन का कोई सानी नहीं, जिन्होंने चंद ही सालों में इतनी शोहरत पाई कि शायद ही इतनी शोहरत किसी और के हिस्से में आई हो। वो अपने क्वालिटी वर्क की वजह से नौजवानों में बेहद मकबूल हुए, कितने ही नौजवानों के रोल मॉडल हैं इरफान जुनेजो। अब एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है, वो व्लॉगिंग के साथ साथ डायरेक्टिंग भी करते हैं। मुतद्दद बार वो अपने फ्यूचर प्लान के बारे में ये कह चुके हैं कि उनका फ्यूचर प्लान डायरेक्टर बनना है। याद है एक दफ़ा उनसे सवाल किया गया कि वो फ्यूचर में भी यूट्यूब ही से मुंसलिक रहना चाहते हैं या कि कुछ और करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में मैं एक डायरेक्टर बनना चाहता हूं। लेकिन पिछले दिनों उनकी एक वीडियो ने तहलका मचा दिया जिसमें वो यूट्यूब से कुछ मायूस नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि व्लॉगिंग की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत और प्यार मिला, लेकिन अब वो मज़ीद इस पर काम नहीं करना चाह रहे। उनका मज़ीद कहना था कि व्लॉगिंग की वजह से मुझे ज़हनी दबाव और डिप्रेशन जैसे मसाइल का सामना है, अब मज़ीद मेरा दिल काम करना नहीं चाह रहा। उन्होंने वाजा फरमाया कि मैं बिल्कुल छोड़ नहीं रहा, शायद बीच बीच में वीडियो बनाता रहूं। इनके ऐसे बयान से नौजवानों में बेचैनी और इज़्तिराब पाया जा रहा है। बहुत से नौजवान जो उनके बड़े फ़ैन थे और उन्हें फॉलो कर रहे थे और उनकी वो इंस्परेशन थे, वो बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। शायद वो इसलिए कि वो परेशान हैं कि इरफान भाई ने छोड़ दिया तो हमारी इंस्पायरेशन चली जाएगी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इरफान जी ने जो अब आगे किसी बेहतर काम की तलाश में हैं जिससे उन्हें दिली सुकून मिले। शायद नहीं बल्कि यकीनन वो डायरेक्टिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो बंदे का ख्वाब होता है अगर वो उसे ना मिले तो वो बेचैन और ज़हनी दबाव में चला जाता है। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि यकीनन वो हमें बहुत जल्द नज़र आएंगे, बल्कि व्लॉगर नहीं इससे बढ़कर। जितना मैं उन्हें फॉलो करता हूं उस हिसाब से मैं ये बात कह सकता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला है। तो दोस्तों आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, आपके ख्याल में इरफान भाई अब व्लॉगिंग करेंगे या नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल AJK टाइम को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।